देंगे। अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस आए हुए हैं, मदद मांग रहे हैं वो इंडिया से। 20 प्रोजेक्ट्स इंडिया उनकी कंट्री में लगाने वाला है उनकी मदद करने के लिए, उनको एड दे रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ जी, अफगानिस्तान को अगर हम अच्छे नहीं लगते, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी। इंडिया का जो बेसिकली एक डॉक्ट्राइन है कि वो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना चाह रहा है, तो उसने ईरान में भी और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वाज वेटिंग। इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी की। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पर भी सुनने को वो तैयार नहीं। अफगानिस्तान बायकॉट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बंद कर दी अफगानिस्तान के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई अपने जो काम है वो कर। क्योंकि भारत अफगानिस्तान के बीच, आपको पता है तालिबान आने के बाद पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था कि बिल्कुल रिश्ते खत्म हो जाएंगे, भारत का जो टोटल वहाँ पे काम किया था, भारत ने जो भी पैसे लगाए थे वो सब वेस्ट हो जाएंगे। बट अब आपको पता है कि पाकिस्तान भिखारी जिनकी औकात कुछ भी नहीं है, जो खुद भूखे मर रहे हैं, अब तालिबान को तो ये सब चीज़ें पता है, तो तालिबान भी उसी के पास जाएगा जिसके पास पैसा है, जो उनके लिए कुछ कर सकता है। आप पहले ये पूरा वीडियो देखें, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में। टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं, हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफगान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता रहा है कि उनको मौका भी है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया हेरात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माजी में भी चले जाएं तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी बट 80s 90s में था, कहीं पे हम समझते थे कि अफगानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कला को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमरीका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इट्स वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी, तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। और पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था और पाकिस्तान को ये था कि भाई अगर हम अगर अफगानिस्तान में तालिबान रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। अब हमें ये तो ठीक है हमारे लिए तालिबान रहेंगे, हमने पिछले 40-50 साल अफगानिस्तान में लगा दिए तालिबान लाने में और तालिबान बिठाने में। 1996 में हमने उनको रिकगनाइज़ किया, साथ में सऊदी अरब और यूएई को मिला लिया, अभी हमने खुद भी रिकगनाइज़ नहीं किया और किसी से भी नहीं हुआ हो पाया। तो लेकिन इंडिया जो है वो कह रहा है जी हम तो यहाँ पे जो है वो 2019-20 में कुछ 37 प्रोजेक्ट किए थे जो कि हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसको वो कहता है, और साथ इंडियंस कहते हैं जी कि हमारे तो बड़े हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान की आवाम के साथ और हम बड़ी देर से जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे काम कर रहे हैं। अब सऊदी इंडियंस को उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है, जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है। सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था, इंडिया वॉज बेसिकली वेटिंग एंड वॉचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं,
अब तालिबान ने देखें पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है, उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे के पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान जो है वो एक किस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त थे वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देर इज़ हम डिस्कशन होती थी कि वॉट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे, वो कहते थे दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज़ अ बैड ऑप्शन, सो आपने जो भी करना है ना आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर इस्टेब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो इस्टेब्लिश है। आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के ऊपर बात करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लिया तो इंडिया ने अपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तकरीबन बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। तो जो वो इन्वेस्टमेंट की थी तो जब तालिबान आए तो इंडिया ने कहा कि शायद मेरी वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई है, लेकिन अभी दोबारा से स्टेप अप ले लिया इंडिया ने, स्टेप ले लिया कि उन्होंने कहा कि भाई जो हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी वो हम पूरी करेंगे। तो क्या समझते हैं, अब एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस बहुत खराब है, अफगानिस्तान बायकॉट पाकिस्तान कर रहे हैं, पाकिस्तान की करेंसी भी बनकर दी अफगानिस्तान के अंदर, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंडिया अपने जो कार्रवाई है, अपने जो काम है वो कंटिन्यू रख रहा है, क्या वजूहत लगती है आपको? बेसिकली इंडिया कभी मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं वो रहे हैं, और इस वक्त वो इसको यूज़ कर रहे हैं, यानी अफगानियों को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अपनी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनको एक डिग्रेड करें और पाकिस्तान के लिए नीचा दिखाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर सकते हैं, वो हम सबको पता है कि जिस तरह वो कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत पैदा हुई थी, जिस तरह वो बनी थी, दैट वो पाकिस्तान का रोल भी था उसके अंदर कि एक किस्म को उसने उसको बैक किया और वो लेके आए हैं वापस उसको, तो मे बी कि अंदर वाले जगह पर कुछ बेहतरी होने के चांसेस भी हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त जो था इंडिया हर प्रोपेगेंडा में वो पाकिस्तान के खिलाफ करता है, जिसकी वजह से वो हिट करने की कोशिश करता है। तो आपने कहा मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, आपको मैं मतलब के बताना चाहूंगा कि मैं आपकी इस बात से एग्री क्यों नहीं करता। टेक्निक तो दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा वीडियो, इस वीडियो में बात हो रही है किस तरीके से पाकिस्तान बोल रहा है कि तालिबान अब उन्हें धोखा दे रहा है। तालिबान पूरी तरह से भारत के लिए बात करता है, भारत के साथ बात करता है, बैकडोर में भारत के साथ बात करता है, वो पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान के लोगों को एक चीज़ समझना चाहिए, तालिबान हो या अफगानिस्तान में पिछली कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके लिए पाकिस्तान के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं वो कभी भी अच्छे नहीं रहे। आपको पता है ड्यूरल लाइन का इशू सबसे मेन इशू है। पाकिस्तान बना था जब उनको अफ़गानिस्तान ने तस्लीम नहीं किया था, मतलब मान्यता नहीं दी थी, और जो पश्तून बेल्ट के सबसे बड़े लीडर थे, चाहे वो अफ़गानिस्तान की साइड के हों या चाहे वो पाकिस्तान की साइड के हों, हालांकि पाकिस्तान की साइड वाला हिस्सा भी अफ़गानिस्तान अभी भी क्लेम करता है। मैं बात कर रहा हूँ खान अब्दुल गफ्फार खान की। उन्होंने पाकिस्तान में दफन होना भी सही नहीं समझा उनकी जब डेथ हुई थी, तो आप समझ सकते हो। अब बात है होता क्या है, पाकिस्तान सोचता है कि अफ़गानिस्तान के लोग भी मुस्लिम, पाकिस्तान भी मुस्लिम, तो वो सारी बातें मानेंगे जो ये बात बोलेंगे, बट ऐसा होने वाला नहीं है। मुस्लिम कार्ड हर जगह नहीं चलता है, आपको भी पता है, मुस्लिम कार्ड चलता होता तो सऊदी अरब पाकिस्तान की इतनी मदद करता, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता, लेकिन ऐसा नहीं है। सऊदी अरब के भारत से ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, आपको पता है, अरब कंट्रीज़ जितनी भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम कार्ड खेलना छोड़े। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।